राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारतीय कलाकारों के लिए हमेशा से खास रहा है। राजधानी दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें देश भर के कई कलाकारों को सम्मानित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत बेस्ट एक्टर से लेकर सिंगर तक को सम्मानित किया गया। वहीं हमेशा की तरह सबकी निगाहें बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस के नाम पर टिकी थी। इस साल इस पुरस्कार के हकदार दो लोग बने हैं। बता दें 68वीं राष्ट्रीय फिल्म बेस्ट एक्टर का पुरस्कार अजय देवगन और साउथ अभिनेता सूर्या को मिला है। 68वीं नेशनल फिल्म अवार्ड में तान्हाजी द अनसंग वॉरियर के लिए अजय देवगन और साउथ स्टार सूर्या को सोरा रई पोट्रू के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। वहीं सूर्या की सोरा रई पोट्रू को ऑल टाइम एंटरटेनिंग फिल्म का अवार्ड मिला। बेस्ट हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर रही। दूसरी ओर सोरा रई पोट्रू के एक्टर सूर्या को बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस अपर्णा बालमुरली को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए अवार्ड दिया गया है। बात अजय देवगन की करें तो अजय देवगन के लिए तान्हाजी द अनसंग वॉरियर उनके लिए कई तरह से खास है। ये अभिनेता के करियर की 100वीं फिल्म थी, जिसमें अजय देवगन ने मराठा अस्मिता को दिखाया था। फिल्म में अजय देवगन ने बहादुर सूबेदार तानाजी मालसूरे का किरदार निभाया था, जो मराठा साम्राज्य को फिर से हासिल करने के लिए क्रूर मुगल सरदार उदयभान सिंह राठौर यानी सैफ अली खान के खिलाफ खड़ा होता है। इस फिल्म ने 250 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था और ये फिल्म लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आई थी। इस स्टोरी में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।